बंटी आयोग की रिपोर्ट स्वीकारते हुए आगामी दो सप्ताह में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के आदेश उच्च न्यायालय ने दिए हैं। इस आदेश के बाद ओबीसी का आरक्षण पहले की तरह बहाल हो जाने की खुशी ओबीसी संगठनों, विभिन्न सामाजिक संगठनों और सभी राजनीतिक दलों ने जताई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उच्चतम न्यायालय का आभार माना है। इसी प्रकार ओबीसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मिठाई बांटी गई और पटाखों की आतिशबाजी के साथ उल्लास मनाया। महाविकास अघाड़ी द्वारा नियुक्त बांठिया आयोग की रिपोर्ट स्वीकारते हुए आगामी दो सप्ताह में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। यह तत्कालीन मविया सरकार की विजय है। ओबीसी समाज को उनका आरक्षण मिल रहा है, इसकी खुशी है। इस मौके पर ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर बालबुद्धे, अरविंद भाजीपाले, डॉक्टर अनिल ठाकरे, श्रीकांत शिवनकर, संजय वाणी, अमित पिचकाटे, अमोल उके, अनिल पोनीकर, महबूबा खां पठान, प्रतीक खापरे, आशुतोष घाटोले, गोपाल ठाकुर, जीवन रामटेके, धीरज कवड़े, संजय कानफाड़े, सुबोध शिगोड़े, एडवोकेट पवन गमने, एडवोकेट पात्रीकर और धर्मेंद्र शिवांशी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जे कागद पुरवणे सगळं करणे आयोग नेमणे हे सर्व महाविकास आघाडीने केलं आणि हे त्यांचं श्रेय आहे, परंतु आम्ही नाकारणारही नाही की याच्यात भाजपाचं काही नाही। मी या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे देखील आभार मानील की त्यांनी आणि भारतीय जनता पार्टीने ह्या विषयात सहकार्य केलं म्हणून त्यांचं देखील आभार मानील, कारण ही एकट्याची लढाई नव्हती, सर्व पक्षाच्या अनेक वेळा बैठका व्हायच्या, अनेक वेळा ते कुठं कसं केस दाखल करायची, काय इम्पेरिकल डाटापासून सगळं हे सर्व पक्षी यांनी मेहनत घेतली आहे, कष्ट घेतले, ही गोष्ट मी नाकारणार नाही, पण श्रेय असं म्हणता येणार नाही, कारण ते सरकार आत्ताच स्थापन झालं आणि लढाई केव्हापासून चालू आहे, म्हणून हे श्रेय मला सांगण्यापेक्षा या महाराष्ट्रातल्या जनतेला माहिती आहे, ह्या ओबीसी कार्यकर्त्यांना माहिती आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।